स्वागत है आप सभी को मैथमेटिक्स भाई अमित सर क्लासेज में। हमें आशा है कि आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए, स्वस्थ की कामना मेरे तरफ से आप लोगों के लिए, आप सब के लिए। तो हम लोग देखते हैं आज, जहाँ तक हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं उससे आगे बढ़ते हैं। तो हमें याद है कि चैप्टर 4 में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट हम लोगों ने पढ़ा था। तो आज उसी बेस पर एक्सरसाइज 4.2 का हम लोग क्वेश्चंस बनाने जा रहे हैं। तो चलते हैं, हम लोग आज आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। तो देखते हैं कि 4.2 का एक्सरसाइज हमारा होगा, 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर आ रहा है, देखते हैं हम लोग। तो देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन कह रहा है कि बिना प्रसरण किए और सारणिकों के गुण धर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्न 1 से 5 को सिद्ध करें। कि क्वेश्चन नंबर पहला दिया है x a x plus a y b y plus b z c z plus c बराबर 0 होना चाहिए। तो हम लोग सॉल्यूशन में चलते हैं, इसका RHS ले लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन में चलेंगे और इसका LHS लेंगे। तो LHS ले लेते हैं तो क्या होता है हमारा, x a x plus a y b y plus b z c z plus c। अब देखिए, अब इसमें कुछ करते हैं, देखिए ध्यान दे रहा है कि इसको प्रसरण करके नहीं बनाना है, इसको बनाना है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पर बनाना है। तो सबसे पहली बात हमारा, ये बात ध्यान देंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट हर हाल में सबको याद होनी चाहिए। तो हमने पिछले क्लास में 6 रूल्स दिया था आप लोगों को प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का, और उसके अनुसार ही हम लोगों को सारे बनाना है। तो चलिए, तो हम लोग जरा देखते हैं कि कैसे बनता है। हमने LHS तो लिख चुका हूँ मैं, अब देखते हैं। तो ये काम करते हैं, देखिए इसमें क्या करते हैं, इसको ओपन नहीं करना है। ओपन करके भी करेंगे तो इसका मान शून्य आएगा, बट यहाँ बात ध्यान देना है क्वेश्चन पे, बिना प्रसरण यानी खोलना नहीं है इसको, सिर्फ सारणी का गुण धर्मों का ही प्रयोग करके इसको बनाना है। तो हम लोग ऐसा देखते हैं कि चलिए ऐसा क्या करते हैं कि हमारे कुछ ये गुण को फॉलो करें। तो देखते हैं क्या, देखिए यहाँ एक्स है, यहाँ पर एक्स प्लस ए है। तो आपको गुणधर्म ये बताया है कि हम एक काम कुछ इसमें अप्लाई कर सकते हैं, हम अप्लाई कर रहे हैं R1। तो R1 प्लस R, देखिए R1 में ध्यान दीजिएगा, R1 में नहीं करेंगे हम, करेंगे C1 में करते हैं, कॉलम से चलते हैं। तो कॉलम से हमारा क्या होगा कि कॉलम 1 में कॉलम 2 को जोड़ देते हैं। तो देखिए कि दोनों हमारा जो होगा ना बराबर हो जाएगा। और आपको बताया है कि किसी भी सारणी के 2 रो या 2 कॉलम यदि समानुपाती हो, समान अनुपात में हो, तो उसका मान 0 होता है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि इसको ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करते हैं तो x प्लस ए हमारा हो गया, x प्लस ए हो गया, ये a हो गया, और ये x प्लस ए हो गया हमारा, ये y प्लस बी और ये b हो गया, और ये y प्लस बी हो गया, ये z प्लस सी हो गया, ये c हो गया, z प्लस सी हो गया। अब देखते हैं, यहाँ से कह सकते हैं कि देखिए ये मेरा कॉलम 1, ये हमारा C1 है, और ये हमारा C3 है, और ये हमारा C2 है। ध्यान देंगे यहाँ बात है। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, देखिए जो मान C1 का है वही मान C3 का है। तो जैसे चूँकि C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, इसलिए लिख सकते हैं सीधी बात, डिटर्मिनेंट बराबर 0 और बराबर हमारा RHS प्रूव्ड, एक हमारा हो गया। तो ध्यान देंगे इसको मैं दो तरीका से मैं बना दे रहा हूँ, ये मेरा पहला मेथड था, ये हमारा फर्स्ट मेथड था। इसके बाद हम लोग चलते हैं सेकंड मेथड पर। तो सेकंड मेथड पे हम लोग चलते हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो एक बार LHS को मैं लिखूँगा दोबारा, तो हमारा क्या हो जाएगा, x a x plus a और y b z c और z plus c।
ये बात ध्यान देंगे, ये जेड होगा। अब क्या करते हैं, इसको हम ऐसे फैला सकते हैं प्रॉपर्टीज से, क्योंकि हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट पढ़ चुके हैं, तो इसको लिख सकते हैं एक्स ए एक्स, वाई बी वाई और जेड सी जेड, और प्लस में लिख सकते हैं एक्स ए ए वाई बी बी जेड सी सी। अब यहाँ ध्यान देंगे, अब देखते हैं कि इसमें ये और ये यानी सी वन और सी थ्री, और इसमें सी टू और सी थ्री, सी टू और सी थ्री दोनों इक्वल है। तो जब किसी भी डिटरमिनेंट के दो कॉलम या दो रो यदि इक्वल होते हैं तो उनका मान शून्य होता है, इसलिए यहाँ लिखेंगे शून्य और प्लस शून्य और बराबर शून्य और बराबर क्या जी आर एच एस, हमारा ये प्रूव्ड हो गया। तो इस क्वेश्चन को एक तरह से और बना सकते हैं, बट हम ऐसा बात कहेंगे कि दो काफ़ी है और हम लोग थोड़ा समय का भी समस्या है, तो हम लोग उसके अनुसार आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दो देखते हैं हम लोग इसके बाद। तो क्वेश्चन नंबर दो स्क्रीन पे आपका आ चुका है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर दो क्या कह रहा है। तो देखिए एस इतना दिया हुआ है ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी बराबर शून्य। तो देखते हैं यहाँ पे चलते हैं सॉल्यूशन में, इसका सॉल्यूशन में चलते हैं। तो आर एच एस हमारा सॉरी एल एच एस, एल एच एस को ले लेते हैं, एल एच एस को लेते हैं ए माइनस बी और बी माइनस सी और सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ए माइनस बी, सी माइनस ए, ए माइनस बी और बी माइनस सी, ये हमारा एल एच एस है। अब देखते हैं यहाँ क्या करें ताकि हमारा बन जाए। एक काम करते हैं, किसी एक को हम लोग ऐसा काम करते हैं ताकि आइडेंटिकल हो जाए, कोई दिमाग यही लगाना है कि हमारा हर हाल में कोई एक प्रॉपर्टीज मान जाए जिसके चलते हमारा शून्य हो जाए, या ऐसा प्रॉपर्टीज लगाना है ताकि हमारा ये शून्य प्राप्त हो जाए। अब देखिए हम क्या करते हैं, सी वन में अप्लाई करते हैं, सी वन प्लस सी टू, प्लस नहीं माइनस कर देते हैं, प्लस करने पर क्या होगा, ये सी नहीं माइनस कर देते हैं, यहाँ पर माइनस करेंगे तो क्या हो सकता है। तो यहाँ देखिए सोचना है, यहाँ पे कन्फ्यूजन है, प्लस कर रहे हैं कि माइनस करें, माइनस करें कि प्लस करें, ये बात सब लोगों को ध्यान देना है हम लोगों को। एक काम करते हैं, देखिए इसको प्लस करके देखते हैं क्या होता है, प्लस करने पर ही हमें आशा है कि हर हाल में आएगा ये। तो चलिए यहाँ प्लस करते हैं, सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री, तीनों को कॉलम को हमने एक कॉलम में जोड़ दिया। तो यहाँ हम लिखेंगे ए माइनस बी और ऐड करते हैं बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। यहाँ हम लोग कर लेते हैं तो देखते हैं क्या, इसके बाद बी माइनस सी और सी माइनस ए और बी माइनस सी और फिर यही बात करते हैं प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी और सी माइनस ए और ए माइनस बी। फिर वही काम करेंगे इसमें भी, सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी और ए माइनस बी और बी माइनस सी। चलिए देखते हैं लोग प्लस करके क्या होता है, आता है कि नहीं आता है। चलिए यहाँ से देखते हैं कौन कौन कट सकता है। तो देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे ए तो प्लस माइनस कट रहा है, बी भी कट रहा है और सी भी कट जा रहा है। देखो बी कट जा रहा है, सी कट जा रहा है, ए कट जा रहा है, सी कट जा रहा है, बी कट जा रहा है, ए कट जा रहा है, यानी सारे कट किए शून्य आ गए। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसके बाद में क्या कि शून्य बी माइनस सी, सी माइनस ए और शून्य सी माइनस ए, ए माइनस बी, शून्य ए माइनस बी और बी माइनस सी। अब ये यार यहाँ देख सकते हैं हम लोग कि यहाँ क्या होगा। अब देखिए ना, आपको पता है ना, लिखेंगे चूँकि C1 के सभी अवयव शून्य हैं, शून्य है, अतः देखिए ये डिटरमिनेंट का है, इतना बराबर मेरा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो बराबर कर देते हैं क्या जी आर एच एस, क्योंकि इतना शून्य होता है तो इसलिए ये सारा जब मिल गया हमको हर हाल में, C1 का सारे अवयव शून्य मिल गए तो हमारा
शून्य आंसर हो गया। तो चलते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर आ चुका है और हम लोग देखते हैं यहाँ से कि इसका भी मान बराबर शून्य ही प्रूफ करना है। एक बात बताना चाहेंगे, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं कि मैं जैसे बना रहा हूँ उसी तरह से ही बनेगा। आप ये क्वेश्चन के 2 तरीका से 3 तरीका से बना सकते हैं, आसानी से कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 2, 7, 65, 3, 8, 75, 5, 9 और 86। अब सोचेंगे क्या ऐसा करें कि हमारा ये प्रॉपर्टीज़ को फॉलो कर जाए। तो प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करने के लिए हम यहाँ से दिमाग लगा सकते हैं। देखिए कुछ सोचेंगे, अच्छा कुछ ऐसी संख्या से मल्टीपल करते हैं और देखते हैं कि इससे कुछ रिलेशन बन रहा है का। तो देखिए यह 65 है तो 9, 7, 63 और 2 जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 65 हमारा हो जाएगा। तो सीधी सी बात देखिए, तो अब इसे भी देखते हैं, इसे भी 9 से करने पर 9, 8, 9, 72 अब 72, 3, 75 देखिए ये भी फॉलो कर रहा है। यहाँ देखते हैं 9, 9, 81, 81 और 5, 86। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, हम लिख सकते हैं कि C2 तो 9C2 अब प्लस C1। बात को ध्यान दीजिए, C2 में 9 से गुणा करके C1 को ऐड कर, 9, 7, 63, 63, 2, 65 देखिए तो हमारा 2 कॉलम यहाँ पे आइडेंटिकल हो जाएगा। और जब 2 कॉलम हमारा आइडेंटिकल हो गया तो डिटरमिनेंट का ही मान शून्य होता है। तो हमारा दिमाग लगाना है कि कैसे हो रहा है ये, तो सोचने हैं तो सोचने हैं थोड़ा दिमाग से, 9, 7, 63, 9, 8, 72, 9, 63, 2, 65, 9, 8, 72, 3, 75, 9, 81 और 5, 86 ऐसे हम लोग समझेंगे इसको। तो क्या करते हैं यहाँ से चलते हैं, तो इस जो हमने अप्लाई किया उसको फॉलो करते हैं। तो देखिए ये तो 2 रह जाएगा, ये दिखाते हैं एक बार कि 9 × 7 आप प्लस 2 आइए 65 3 8 सॉरी 9 × 8 आप प्लस 3 और ये 75 और ये 5 9 × 9 आप प्लस 5 और ये 86। देखिए हमारा यही है, जब यहाँ तक हो गया तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, अब देखिए यहाँ से फिर आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ से आगे क्या हम लोग बढ़ते हैं, अब देखिए तो ये 2 हो गया 9, 7, 63 और प्लस 2, 65 ये हमारा 65 हो गया और ये भी हमारा 65 है। 9, 8, 72, 72 और 3, 75 9, 9, 81 और 5, 86 और ये 3 और ये 5 और ये हमारा हो गया 75 और ये हमारा हो गया 86। अब देखिए ये हो गया हमारा C1 और ये हो गया C2 और ये हो गया C3। तो लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ पे, चूँकि C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल अतः यहाँ कह सकते हैं कि 2, 65, 65, 3, 75, 75, 5, 86 और 86 अब बराबर क्या कर सकते हैं, शून्य कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जबकि 2 हमारा समान अनुपात में हो गया तो इसका मान क्या होता है, शून्य होता है और बराबर RHS क्या हो गया आपका, प्रूव्ड हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है, देख रहे हैं। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं जरा क्या होता है। देखिए तो ऐसे दिख रहा है 1 BC AB और ये सी है, AC BC, लेकिन ध्यान देंगे शायद ये नहीं है, यहाँ पे 1 है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में 1 है। थोड़ा सा बात दिमाग लगाना है, ये बात है कि क्वेश्चन थोड़ा सा मिला ले तो ज़्यादा बेटर होगा, क्वेश्चन मिला ले तो ज़्यादा बेटर होगा। एक बार अब से तो क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, हाँ 1 है, 1 BC CA AB और AB CBC CA और AB। चलिए हमारा क्वेश्चन सही हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनेगा। अच्छा हमको इस क्वेश्चन में देखने क्या करें कि हमारा आए, तो पहले लेते हैं सॉल्यूशन में LHS लेते हैं यहाँ से, तो LHS हमारा है 1 BC A × B + C 1 CA B × C + A 1 AB C
ए प्लस बी। अब देखिए हम यहाँ से क्या करें कि हमको सुनने मिले, कुछ नहीं कर रहा है। तो यदि कुछ करे चाहे ना करे, पहले थोड़ा सा देखते हैं, इसको ओपन करते हैं, खोलते हैं इसको। चलिए इसको खोलते हैं, क्या हमको मिलता है। तो वन और ये बी सी, ए बी अब मिल जाएगा और ए सी मिल जाएगा। चलिए फिर देखते हैं इसको, वन सी ए बी सी प्लस ए बी, और ये वन ए बी सी ए प्लस बी सी। अब देखिए ना यहाँ पे, यदि कि ए बी है तो ए बी यहाँ है, ए सी है तो यहाँ ए सी है, बी सी है तो यहाँ बी सी है। तो अब क्या करते हैं, एक काम करते हैं, देखते हैं कि तीनों इसको और इसको एक ही में जोड़ दिया जाए, यानी सी टू और सी थ्री को एक ही में ऐड कर देते हैं। तो क्या होता है कि सब में ए बी बी सी ए सी सब में मिल जाता है। चलिए यही करते हैं, तब अप्लाई करते हैं सी थ्री, सी थ्री प्लस सी टू अप्लाई करते हैं, और अप्लाई करके यहाँ आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्या कि वन वन अब प्लस बी सी, वन सॉरी वन बी सी और ये ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। इसमें देखते हैं वन और ये सी ए है, तो यहाँ पर लेते हैं ए बी प्लस बी सी या प्लस सी ए। फिर यहाँ से वन और ये हमारा हो गया ए बी, ए बी ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए। अब यहाँ देख सकते हैं हम लोग, तो क्या कर सकते हैं यहाँ से देखिए, तो देखते हैं कि ये सारे इसमें ए बी बी सी सी ए सब में है, कॉमन है, तो इसको कॉमन निकाल लेते हैं। तो चलते हैं ए बी प्लस बी सी या प्लस सी ए, चाहे ए सी कर सकते हैं। अब यहाँ देखते हैं वन बी सी वन, वन सी ए वन, वन ए बी वन। अब यहाँ देखिए, अब देखते हैं यहाँ पे कि सी वन और सी थ्री आइडेंटिकल हो गया, यहाँ बात को समझिए। तो लिखेंगे चूँकि सी वन एंड सी थ्री आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल इसलिए वन बी सी वन, वन सी ए वन, वन ए बी वन अब बराबर शून्य। अतः यहाँ लिख सकते हैं हम लोग क्या कि ए बी बी सी प्लस सी ए और गुना में शून्य, तो बराबर यहाँ देख सकते हैं हम लोग शून्य बराबर क्या जी हमारा आर एच एस, और ये हमारा क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। और इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर भी बना चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर फोर तक हमारा हो गया, इसको क्लियर रूप से समझेंगे। यदि आपको डाउट हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, कोई तरह का डाउट हो क्वेश्चंस में तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और हमसे डाउट आप क्लियर कर सकते हैं। और एक बात हाँ, और आपको वीडियो पढ़ना देखकर पढ़ना है, और पढ़ने के बाद लाइक सब्सक्राइब शेयर और बेल आइकन इम्पोर्टेंट है, एकदम प्रेस करना है। तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। तो अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव हम लोग देखते हैं अपने स्क्रीन पे आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर फाइव आपके स्क्रीन पर है, और देखते हैं फाइव नंबर स्क्रीन पे क्या है। बी प्लस सी, क्यू प्लस आर, वाई प्लस जेड, सी प्लस ए, आर प्लस पी, जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी, पी प्लस क्यू और एक्स प्लस वाई बराबर क्या प्रूफ करना है हम लोगों को। टू इंटू ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड। तो ध्यान देना है दोस्तों, हम एल एच एस से चल के हमको आर एच एस लाना है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन में क्या लिखते हैं, फ्रॉम एल एच एस। सोल्यूशन में लिखते हैं फ्रॉम एल एच एस लिखते हैं यहाँ पे, देखते हैं। तो ये है बी प्लस सी, क्यू प्लस आर, वाई प्लस जेड, सी प्लस ए, आर प्लस पी, जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी, पी प्लस क्यू और एक्स प्लस वाई। अब ये देख लेते हैं हम लोग कि हमारा एल एच एस ये हो गया, हमारा एल एच एस ये है, तो हम लोग क्या करें यहाँ से। तो हमारे ऐसे दिमाग में कुछ ऐसी बात आनी चाहिए था कि हम लोग कुछ आगे बढ़ सके, हमको हर हाल में प्रूफ करके ये लाना है। एक काम करते हैं हम लोग, R1 में से R2 और R3 को घटा देते हैं, R1 में से R2 और R3 को घटा देते हैं। तो लिखते हैं R1 अप्लाई, R1 माइनस R2 माइनस R3,
अब बात ध्यान देंगे, ये तीनों, ये R1, R2, R3 को R1 में से घटाना है R2 और R3 को। चलिए तो कैसे लिखेंगे हम, सबसे पहले B प्लस C, अब ध्यान दीजिए ये है हमारा R2 में, तो माइनस C माइनस A, फिर देखते हैं, फिर क्या करेंगे माइनस ए माइनस बी। अब चलते हैं इसमें, चलते हैं तो क्या करेंगे हम लोग, क्यू प्लस आर माइनस पी माइनस पी माइनस क्यू, फिर चलते हैं इसमें वाई प्लस जेड, तो क्या करेंगे हम लोग माइनस जेड माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस वाई। अभी देखिए ना, हम लोग ने R1 में से R2 और R3 घटा दिया, अब जो शेष हमारे हैं ना उसको जस का तस रख देंगे। तो क्या करते हैं यहाँ पे, C प्लस ए R प्लस पी और Z प्लस एक्स, और ये हमारा हो गया A प्लस बी और P प्लस क्यू और X प्लस वाई, ये हमारा इतना हो गया। अब देखते हैं इसमें से क्या बचता है, प्लस बी माइनस बी ख़त्म, प्लस सी माइनस सी ख़त्म, और माइनस ए माइनस ए, यानी यहाँ लिख सकते हैं हम लोग माइनस टू ए। ये देखते हैं प्लस क्यू माइनस क्यू ख़त्म, प्लस आर माइनस आर ख़त्म, माइनस पी माइनस टू पी, यही तरह से प्लस वाई माइनस वाई ख़त्म, प्लस जेड माइनस जेड ख़त्म, तो बच गया माइनस टू एक्स। अब क्या हमको बचता है, सी प्लस ए आर प्लस पी और जेड प्लस एक्स, फिर इसमें क्या बचता है, ए प्लस बी और पी प्लस क्यू और एक्स प्लस वाई, हमारा इतना बच गया। अब इसे क्या कर सकते हैं, माइनस टू कॉमन ले सकते हैं, तो देखिए माइनस टू मैंने कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, ए पी एक्स सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स ए प्लस बी पी प्लस क्यू और एक्स प्लस वाई। अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, तो कैसे बढ़े हम लोग आगे की ओर, देखते हैं कि यहाँ से अब क्या करें। देखिए हमको दो को बराबर करना है, यदि इसमें से इसको घटाते हैं, ध्यान देना होगा C3 में से C1 को घटाते हैं, R3 में से R1 को घटाते हैं, R3 में से R1 को घटा देते हैं और R2 में से भी R1 को घटा देते हैं। चलिए तो लिखते हैं R2 अप्लाई R2 माइनस R1, फिर R3 अप्लाई R3 माइनस R1। यहाँ ध्यान देना होगा हम लोगों को कि जो लिखे हैं उसी को अप्लाई करना है। चलते हैं हम लोग, तो ध्यान दीजिए सबसे पहले माइनस टू और R1 को ए पी एक्स। अब ध्यान दीजिए, अब R2 में से R1 घटाना है तो C प्लस ए में से माइनस ए, तो माइनस प्लस ए ख़त्म, तो क्या बच गया हमारा, C बच गया। फिर देखिए R प्लस पी में से P घटाना है तो प्लस पी माइनस पी ख़त्म, तो क्या बच गया, R बच गया, तो यहाँ R हो गया। यहाँ पर देखिए जेड प्लस एक्स में से एक्स घटाना है तो क्या, एक्स ख़त्म, प्लस माइनस ख़त्म, तो क्या बच गया, जेड बच गया। अब इसमें से देखिए ए प्लस बी में से ए घटाना है तब ए ख़त्म, क्या बच गया, बी बच गया हमारा। और P प्लस क्यू में से P घटाना है तो क्या बच गया, Q बच गया। और X प्लस वाई में से X घटाना तो क्या बच गया हमारा, Y बच गया हमारा। अब ये देखिए, अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे माइनस तो बचा हुआ, अब देखिए ना हमको प्रूफ क्या, देखिए जो प्रूफ करना है हमको दिख रहा है, बट एक बात क्या है कि जो R3 है वो R2 में दिख रहा है, तो हम लोग पता है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट से, या डिटर्मिनेंट से हम जानते हैं कि रो को चेंज कर देते हैं जिसका मान अपरिवर्तित नहीं होता है, माइनस हो जाता है, निगेटिव हो जाता है, उसका मान निगेटिव हो जाता है। तो चलिए तो क्या लिखते हैं यहाँ पे, लिखते हैं R2 इंटरचेंज R3, तो एक दूसरे से क्या कर लेते हैं, अदला बदली कर लेते हैं। तो देखिए तो माइनस टू तो है ही है, माइनस वन यहाँ कॉमन हो जाएगा, और ये ए पी एक्स बी क्यू वाई और सी आर जेड। अब देखिए ना, तो माइनस टू गुना माइनस वन तो क्या हो गया, टू हो गया प्लस में, और ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड, और ये हमारा क्या हो गया, बराबर RHS हमारा प्रूव्ड हो गया। यही हमको प्रूव करना था, आप लोग देख सकते हैं, यही प्रूव करना था, तो हो गया।
ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था, इसको बारी बारी बनाना है आप लोगों को, रिवीजन करना है। मैथ का मतलब कहता है रिवीजन, जितना ही रिवीजन करिएगा मैथ आपका उतना ही स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो ध्यान दें, ऐसे क्वेश्चंस को बारी बारी बनाने होंगे, बनाएंगे। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे स्क्रीन पर आ रहा है, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखिए स्क्रीन पर आ रहा है। देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। इस क्वेश्चन में एक लॉजिक बताएंगे आपको, किसी संख्या से गुना कर दे या भाग कर दे, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो हम लोग कुछ ऐसा ही करते हैं, देखते हैं। तो पहले चलते हैं सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में चलते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। और देखते हैं आगे, देखते हैं। तो यहाँ देखते हैं हम लोग, अब फिर क्या करेंगे, R3 में R1 को जोड़ते हैं। चलिए, तो ये जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 + 1 हमारा हो गया 0, और 1 और 1 2, और -1 और 1 मिल के कितना हो गया, 0 हो गया। अब चलिए, ये हमारा हो गया, इतना क्लियर हो गया। अब क्या करते हैं, अब इसके अलोंग हम लोग निकाल देते हैं यहाँ से, तो a²b²। अब इसको ओपन कर देते हैं यहाँ से, तो -1 हो गया, ये रो ख़त्म, तो क्या बच गया, 0। तो 0 और -2 × 4, तो हमारा क्या आ गया भाई, a²b²c², और -1 × -4, तो क्या हो गया, माइनस माइनस मेरा हो गया +4a²b²c², और बराबर क्या जी, RHS प्रूफ्ड, हमारा यही प्रूफ करना था, देख सकते हैं आप लोग। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 भी फिनिश हो गया, और इसी क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। और ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 तक। और एक इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए, घर पे रहे, जमकर पढ़े और आगे बढ़े, भविष्य में कुछ करने के लिए सोचिए, और हमेशा कुछ ना कुछ करते रहिए, समय बेकार और व्यर्थ न जाए। चलते हैं, गुड नाइट, बाय, सी यू।